गुड इवनिंग वंस अगेन। पुणी एक बहुत सुंदर नोटिफिकेशन जहाँ कि आम भारत सरकार द्वारा बाहरी आम वाणिज्य तरफ समस्त को अवगत कराई दौ से जो नोटिफिकेशन टी अच्छी कौन अच्छी ना द एनएससीएल जो कहे एनएससीएल द न्यू इंडिया असुरांस कंपानी एलटीडी जो गोटे इन्सुरांस कंपानी तरफ गोटे वैकेंसी अच्छी न्यू इंडिया असुरांस कंपानी तरफ ये वैकेंसी अच्छी देख तो एथिरे कौन अच्छे ना रिक्रुटमेंट ऑफ 170 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गोटे 170 मान अपॉइंटमेंट सब जाए जो पोस्ट बाहर टोटल वैकेंसी के 170 तो से अनुसार देखा गले ना जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट स्केल 1 रो पोस्ट वैकेंसी अच्छी तो देखा ता भितर कौन कौन अच्छे सब तो ये जब आम देखा जाऊे बढ़िया जिनस देख कौन कही न्यू इंडिया असुरांस कंपनी एलटीडी लिमिटेड ए लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 170 ऑफिसर्स जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन स्केल आई कैडर फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर दिस वैकेंसीज ना अकाउंट्स टोटल 170 गोटे अकाउंट्स 50 टी वैकेंसी और जनरलिस्ट 120 टी वैकेंसी ये अनुसार देखा गल एससी 7 टी एसटी 4 टी जो अकाउंट्स अच्छा ओबीसी 13 टी ईडब्ल्यूएस बा इकोनॉमिक वेलफेयर सेक्शन 5 टी अनरिजर्व्ड 4 टी ना 21 टी तो ये अनुसार जब हम सेपट देखा जर्नलिस्ट 18 टी अच्छी एससी 8 टी एसटी ओबीसी 32 ईडब्ल्यूएस 12 और टोटल जब कह 50 टी टोटल जब अनरिजर्व कह रेकोस्टर अच्छी ईडब्ल्यूएस 17 टी ओबीसी 45 आउ जब एससी देख 25 टी एसटी कह 12 टी आउ डिफरेंट डिफरेंट हैंडिकैप सब मिसेक 3 सब 8 5 13 टी पोस्ट अच्छी हाला ये भी 13 टी पोस्ट अच्छी जदि किए ये जो हैंडिकैप भितर अच्छे विजुअली हो हियरिंग हो अदर कौन सी जिन अच्छी तो से तेरह टी पोस्ट एलिजिबल अच्छे ओके तो नेक्स्ट जी देखा कौन अच्छी नेक्स्ट देख ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट एप्लीकेशन जो डेट फीज अच्छी जोटा कि 10-29 सेप्टेम्बर एटा भी सही 10 सेप्टेम्बर रु के पर्यटन अच्छी ना 29 सेप्टेम्बर पर्यटन अच्छी तो ये अनुसार देखे बोर्ड डेट इनक्लूसिव फेज वन ऑनलाइन एग्जाम्स दैट इज दैट सुड बी ऑब्जेक्टिव्स 13th October भीतर है जीवो 13 October 2024 भीतर हबो phase 2 जोडा कि objective भी हबो plus descriptive भी हबो दीटा ए भी online हबो तो एतरे कोन कहि ना 70 से ए भी tentative के भीतर हबो ना 17 November 2024 भीतर हबो ए भी डेट रो जो टाइम ता भी मेंशन कर दे छि जे तमे एससी देखो आ गोडे एडमि जो हमें फॉर्म पकेबा तार फीस फीसर भी तुम कहि दउ छि यदि एससी कि एसटी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड अछे ताहाले हमको 100 टंका पड़िबो कोन ना आम जो फर्म रप्लाय फी अल कैंडिडेट्स अदर देन एससी एसटी जब एससी किंबा एसटी किंबा पीडब्ल्यूडी नहु ताहले हमको फॉर कैंडिडेट 850 टंका लेखा एप्लीकेशन फी पड़ो इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेस ओके तो ए अनुसार देखा गले जो नोटिफिकेशन अच्छी या ध्यान दियो या समस्त एलिजिबल अच्छे तो कौन अच्छी एलिजिबल क्राइटेरिया देखा देख कौन कही ना ए कैंडिडेट मोस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशंस ऑफ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इफ in any discipline from a recognized university or any equivalent qualifications recognized as such by central government with at least 60% marks in either of the degree examination for general candidates and at least 55 marks for sc st physical handicapped candidates specialist a candidate must possess the minimum qualifications as follows तो यही सब क्वालिफिकेशन स्पेशलिस्ट ऑफिसर कह मिनिमम क्वालिफिकेशन आवश्यकता अच्छी तो क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो ए अनुसार देखा गलत स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स कहते कैरेक्टर अकाउंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया अर्लियर नोन एज ICWAI एंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तुम 60% जनरल अच्छा 60% जब एससी एसटी का फिजिकल हैंडीकैप्ड अच्छा 55% एमबीए फाइनेंस पीजीडीसीए जो इनकम एक 60% तुम रिजल्ट थी दरकार कि तुम एससी एसटी 55% ये क्राइटेरिया थे तुम्हें यहीटा को भी पकई पार जो कहते एनएससीएल जो कहे कौन ना द न्यू इंडिया असुरांस कंपनी लिमिटेड
ओके तो ये हूँ यार क्राइटेरी तो ये देख पुणि थे मुझे रिपीट करुँच जहाँ कही पुणि थे सेम जिन ही ना कौन ना फेज वन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स फेज टू मेन एग्जाम फेज थ्री इंटरव्यू ये तीन टाक तुमको फॉलो करा पड़ो कौन ना गोटे प्रिलिम गोटे मेन जो कहल मुझ ऑब्जेक्टिव आटा कौन है ना ये तुम सब्जेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव टाइप है आउटा इंटरव्यू एज मिनिमम के एक बर्ष मिनिमम होता दरकार मैक्सीम तीस वर्ष होता दरकार एक नौ 2024 सुधा मैंने फर्स्ट जनवरी टू फर्स्ट सेप्टेम्बर 2024 सुधा that is a candidate must have been born not earlier than 2nd September 1994 jodi tar artha hochi 2nd September 1994 purbaru se candidate janma hoi nathala ta pore janma hoi thala and not later than 1st September 2003 to 2003 1st September pore janma hoi thiyo ta purba janma hoi thiyo jodi hei thibo tahale se eligible achi ta application registration so amar ei ta badhe jinso samaste eta mon rakhibo chesta karibo kon ta यही जो साइट www.newindia.co.in एटा ही होची साइट एटा मेंशन कर दे जदी के साइट पाउ ना हो ताले हम एई साइट को एउटो तमे फोकस करकी बा फॉलो करकी तमे जाईकी क्लिक करकी अप्लाई करि परबा ऑनलाइन ले अप्लाई करि परबो जत बेले तमे रजिस्ट्रेशन करबा को चाहौ छो दैट शुड बी डिस्क्राइब इन आवर स्किल्स ओके ठीक अछि देखिबा आ कोन अछि आजिर एई जो सेकंड नोटिफिकेशन छथिला तो ता भी ओवर हेछि थैंक यू बेस्ट ऑफ लक ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर देखा पुणी एक नुआ।